बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। और आज हम रमजान स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे पत्ता गोभी और प्याज की क्रिस्पी टिक्की। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हमने आधी गोभी ली है, जिसे बारीक इस तरह से काट लिया है। सबसे पहले हम इसे नमक डालकर 10 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि गोभी हमारी सॉफ्ट हो जाए। एक चम्मच हम नमक डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि पत्ता गोभी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे, उसके बाद इसके पकोड़े बनाएंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और पत्ता गोभी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी निचोड़ लेंगे इसका। तो यहाँ पर हमने पत्ता गोभी में से इतना पानी निकाल लिया है। अब इसमें हम एक बड़ी साइज की प्याज लिए, जिसे इस तरह से काट लिया है, ये डाले के बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया एक मुट्ठी भर के हमने, 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। तो मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। और 7 से 8 हमने लहसुन की कलियां ली थी, जिसे बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे बारीक बारीक काट लिया है हमने। तो आप चाहे तो अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट भी डाल सकते हो। इस तरह से बारीक काट के जब अदरक लहसुन को लेते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये डाल देंगे इसमें। सूखे मसाले में हमने 1 चम्मच भर के कूटा हुआ धनिया लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स ली है यानी कूटी हुई लाल मिर्च, इसकी जगह पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हो, 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने भुना जीरा पाउडर लिया है। तो धनिए का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इस तरह से आप धनिए को कूट कर डालें इसमें। अब लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तो आप नमक को यहाँ पर अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक डाला है। इन सब चीजों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले पत्ता गोभी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी भर के चावल का आटा लिया है, ये इसमें डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप 1/2 कटोरी कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो, और अगर दोनों भी नहीं हो तो 1/2 कटोरी सोजी लेकर मिक्सर में बारीक पीस लीजिए, उससे भी पकोड़े आपके क्रिस्पी बन जाएंगे। अब यहाँ पर हमने 200 ग्राम चने के आटे को यानी बेसन को छान कर लिया है। जरूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करते जाएंगे। तो पहले चावल के आटे को मिक्स कर लेते हैं हम। ये देखिए, चावल के आटे को मैंने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करते जाएंगे हम। तो थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर हमें इसकी टिक्की बनानी है, इसीलिए जितना बेसन की हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से इसमें हम बेसन को ऐड करेंगे। तो थोड़ा पानी डाल रही हूं मैं। तो आप बेसन को अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिए, जितनी आपने प्याज ली है, जितनी आपने पत्ता गोभी ली है, और इसका डो बने इस तरह से हमें बेसन को इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है, और अच्छी तरह से पूरे मसाले में मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, सिर्फ मैंने इसमें 2 चम्मच ही पानी डाला है, और ये डो की तरह देखिए हमारा आटा तैयार है। अब इसकी हम टिक्की बना लेते हैं। इतना टिक्की का डो तैयार करने में मुझे 150 ग्राम बेसन की जरूरत पड़ी है, और इतना बेसन हमारा बच गया है देखिए। अब हाथ पर थोड़ा तेल लगा लेंगे हम, और इसकी हमें टिक्की बनानी है। तो आप चाहे तो इसे राउंड शेप में भी बना सकते हो, या आपको जैसा शेप अच्छा लगता हो उस तरह से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर टिक्की के शेप में बना रही हूँ, तो बहुत आसानी से देखिए बन जाती है इस तरह से। हम ना ही ज्यादा पतली बनाना है, ना ही ज्यादा जाड़ी बनाना है। तो देखिए, ये टिक्की हमने तैयार कर ली है। इसी तरह से हम हाथ पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाते जाएंगे और टिक्की को तैयार करते जाएंगे। बहुत ही फटाफट ये टिक्की बनके तैयार हो जाती है। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, ये देखिए।
इस तरह से हम सारी टिक्कियों को बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए सभी एक साइज की टिक्कियां बनाकर तैयार कर लिए हैं और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो इस टिक्की को हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को हम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसे हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे वरना टिक्की ऊपर से फ्राई हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसका गोल्डन कलर आ जाए वहां तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो अंदर से जो आटा है हमारा अच्छी तरह से सिक जाएगा। तो धीमी आंच पर इसे फ्राई करें वरना ऊपर से तो ये गोल्डन हो जाएगी लेकिन अंदर से आटा कच्चा रहेगा। तो दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से इसे गोल्डन कर लेना है। तो देखिए ये फ्राई हो चुकी है, इसे मैं निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पे और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारी टिक्की तैयार हुई है। तो जो आपके घर में पत्ता गोभी नहीं खाते होंगे वो भी इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। डिलीशियस हमारी बनी है पत्ता गोभी की टिक्की। उलटे पलटे से हमें अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है। तो देखिए ये टिक्की भी हमारी फ्राई हो चुकी है तो बहुत ही क्रिस्पी करारी और टेस्टी मसाले से भरपूर हमारी पत्ता गोभी और प्याज की टिक्की तैयार है। देखिए आप देख सकते हो तो बिल्कुल लग रही है ना जिस तरह से कबाब होते हैं बिल्कुल उसी तरह की टिक्की हमने बनाई है। इसमें जो भी हमने मसाले डाले हैं, कूटा हुआ धनिया डाला है, उससे इसका टेस्ट इतना जबरदस्त हो जाता है ये टिक्कियों का। और आप देख सकते हो बहुत ही खाने में ये मजेदार टिक्की बनी है और इसे आप कोई भी चटनी के साथ खा सकते हो या टमाटर केचप के साथ खा सकते हो, बहुत ही मजे की लगती है। तो इस रमजान आप इसे बनाइए, इंशाल्लाह आपको भी ज्यादा पसंद आएगी। अब इस टिक्की को हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। देखिए इस टिक्की को तोड़कर इसका टेक्सचर अंदर से बताते हैं, बहुत ही क्रिस्पी टिक्की तैयार हुई है हमारी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। इसे हम टमाटर केचप के साथ खाएंगे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो या ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो, सभी के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।